देखिए जन जो जन समस्याएं हैं, खुला दरबार हमारे सभी विभागों के अधिकारी हमारे साथ आए हुए हैं। जो लोगों की जन समस्याएं उनको सुनने के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं, लोगों को धन्यवाद करने आए हैं जो भारी बहुमत से जिताकर हमें विधानसभा में भेजने का काम किया। और एक हम प्रोग्राम करते हैं हर साल मधुर मिलन समारोह धन्यवाद रैली, उसके लिए न्योता देने आए हैं। और आज हमें चौथा दिन है पूरे हल्के में, जो वादा हमने लोगों से किया था एक साफ सुथरा स्वच्छ प्रशासन देने का काम की बात कही थी, और आज उस काम की शुरुआत हम कर चुके हैं कि साफ सुथरा प्रशासन और शासन मुटवाना हल्का में दे पाएँ। सरकार की भी नीतियां हैं, बहुत सी सरकार की ऐसी नीतियां हैं, स्कीमें हैं जो लोग जिसके लिए अवेयर नहीं हैं। जागरूकता के लिए हमने एक निगरानी कमेटी हर गाँव में बनाने का काम किया है, जिससे लोग जागरूक होंगे, उनके जो अधिकार हैं उनके प्रति सचेत होकर वो अधिकार उनके घरों तक पहुंचे, ये हमारी ड्यूटी है। अधिकार मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी, मेन पानी की निकासी की बात है, स्वच्छ पीने का पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया है कि जो हमारा नहरों से वाटर बक्सों को कुछ जुड़े हुए हैं, किसी को जोड़कर जो नीचे का पानी है, ज़मीन के नीचे का पानी है, वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिससे लोग बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कैंसर है, पेट सीबी की बात करें तो वो भी हमने जो संबंधित अधिकारी हैं उनके नोटिस में संज्ञान में उनके लेके आए हैं। पूरा का अलग अलग डिपार्टमेंट, बिजली की भी बहुत सी समस्याएं, बिजली विभाग की भी थी, हर विभाग की समस्याएं हैं। अब अगली मीटिंग हम डिपार्टमेंट वाइज करेंगे और गांव में जाके ही उन समस्याओं को सुधारने का काम करेंगे। देखिए ये हमारा एक राजनीति से ऊपर उठ के प्रोग्राम होता है, एक समागम के रूप में इस प्रोग्राम को करते हैं, और उसमें आज हम JGP से विधायक हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें वो हमारे नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, और आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये पार्टी और पार्टी लेवल का ही प्रोग्राम है, हमने उनको इन्वाइट किया है। शुरुआत हुई है, जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं उनके प्रपोजल संबंधित डिपार्टमेंट से लिए जा रहे हैं, और उस पर हम आने वाले समय में उनकी मीटिंगें लेंगे, और वो जो जो एस्टिमेट आएंगे उनको संबंधित डिपार्टमेंट में भेज के मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, हल्के को पैसा दिया जाए जिससे वो डेवलपमेंट करा सके। वो सारी योजनाएं हैं, कुछ योजनाओं में समस्याएं थी, किसी के लोगों ने शिकायतें करके ने उनको लग रहा था कि प्रॉपर ढंग से काम नहीं हो रहा, उसमें कहीं गुणवत्ता में उनको संदेह था, वो जांच वहाँ से वो चल रहे हैं, वो हो जाएगा सारा काम सुचारू रूप से, कोई काम रुकने नहीं दिया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, और जो डेवलपमेंट अधूरे हैं उनको पूरा कराया जाएगा।